दोस्तों, जब भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो लगता है कि इस बार तो मुझे कुछ अलग और अजीब नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं कि हर बार मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और नया मिल ही जाता है। आज मैं आपके लिए 10 ऐसी चीजें लेकर आया हूँ जो शायद आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे। एग विदाउट अ शेल। क्या आपने कभी बिना शेल का एग देखा है? अब आप कहेंगे कि यार ये तो सबने देखा है, बस उसे बॉइल करो और हो गया वो विदाउट शेल। मेरा कहने का मतलब है, क्या आपने कभी बिना उबला हुआ कच्चा एग बिना शेल के देखा है और जिसका शेप भी वैसा ही हो? ये काफी आसान है। इसके लिए आपको एक कच्चा अंडा, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास और थोड़ा सा व्हाइट विनेगर चाहिए बस। अब एग को ग्लास में डाल दीजिए और उसे विनेगर से भर दीजिए। एग की शेल इससे धीरे धीरे रिएक्शन करने लगेगी। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो उस समय में आप हमारे चैनल की एक दो वीडियो भी देख सकते हैं। अब जैसे ही आप एग को ग्लास में से निकाल कर साफ करेंगे तो आप पाएंगे कि एग बिना शेल का हो गया है, लेकिन उसका शेप अभी भी वही है। लेकिन इसको बॉल समझकर तोड़ मत देना। लाइटसेबर फेंसिंग। दोस्तों, स्टार वार्स यूनिवर्स के ढेर सारे फैंस हैं। कुछ लोग इनको देखना और इनके बारे में पढ़ना अकेले में ही पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों को पब्लिक इवेंट पसंद होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको वहाँ काफी अजीब और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये लाइटसेबर फेंसिंग कॉम्पिटिशन। हाँ भाई, ये लाइटसेबर मूवी की तरह खतरनाक नहीं थे और ना ही किसी ने दूसरे के हाथ काटे, लेकिन फिर भी देखने में काफी बढ़िया लग रहा था। बहुत से लोग ऐसे कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं और इनसे रिलेटेड बहुत से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। प्लेइंग वायलिन ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। 2009 में मिनीसोटा ऑर्केस्ट्रा के एक म्यूजिशियन रॉबर्ट फिश को एक ट्रिमर डिसऑर्डर से गुजरना पड़ा। इसके कारण उन्हें अपने हाथ हिलाने में कठिनाई होती थी, जिस कारण उनका कैरियर संकट में आ गया था। सर्जरी के बिना इसका इलाज संभव नहीं था, तो रॉजर ने आखिरकार ऑपरेशन टेबल में जाने का मन बना ही लिया। एक एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन में उनके ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड्स इंपोर्ट किए गए, लेकिन डॉक्टर को ट्रिमर की लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रोड्स को कहां प्लेस किया जाए। इसलिए रॉजर ने एक मॉडिफाइड वायलिन बनाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, जब डॉक्टर उनके दिमाग का इलाज कर रहे थे तब वो वायलिन बजा रहे थे। सुनने में आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और रॉजर 3 हफ्तों के बाद एक बार फिर से स्टेज पर परफॉर्म करने लायक हो गए। अंडरवाटर म्यूजिक। दोस्तों, डेनमार्क का म्यूजिक बैंड बिटवीन म्यूजिक अपने अजीब और क्रिएटिव म्यूजिक रिलेटेड आइडियाज के लिए जाना जाता है, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सभी सरप्राइज रह गए। उन्होंने अपने फैंस के लिए एक अंडरवाटर कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए उन्होंने 10 साल तक प्रोफेशनल डाइवर्स और अंडरवाटर एक्सपर्ट से पानी के अंदर की दुनिया की हर चीज सीखी। इसी मेहनत के कारण वो ये कर पाए। जस्ट इमेजिन, ये म्यूजिशियन अजीब से कपड़े पहनकर पानी के अंदर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, क्योंकि वो तो पानी में आसानी से खराब हो जाते। ये स्पेशल टेक्नोलॉजी से डिजाइन इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन जरा सोचिए, उन्होंने पानी के अंदर गाना कैसे गाया होगा? वेल, ये काफी कठिन था। पानी में कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करना काफी कठिन होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा गाना चुना जिसमें वॉवल ज्यादा था। दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो कोई वेल बात कर रही है। आप चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन इन म्यूजिशियन ने जो किया वो सच में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। ह्यूज पेपर प्लेन। दोस्तों, आपने बचपन में पेपर प्लेन तो जरूर बनाए होंगे और आपने इसका छोटा और बड़ा दोनों मॉडल बनाने की कोशिश की होगी। बात यह है कि छोटे पेपर प्लेन्स दूर तक नहीं उड़ते और बड़े पेपर प्लेन्स के लिए काफी पेपर खर्च हो जाता है और ये भारी होकर गिर भी जाता था। लेकिन क्या आप एक 13 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े पेपर प्लेन के बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ, ऐसा पेपर प्लेन सच में है और इसका नाम अरुटो डेजर्ट ईगल है। इसे एक म्यूजियम के एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। अब इसे जमीन से उड़ाना तो इम्पॉसिबल ही है, तो इसे सिकोर्स्की S-58 एयरक्राफ्ट से हवा में ले जाकर उड़ाया जाता है। इसे हवा में 820 मीटर की हाइट पर ले जाकर लॉन्च किया जाता है, लेकिन इतनी हाइट पर से भी ये सिर्फ 10 सेकंड में ही जमीन पर आ जाता है और उस समय इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसे कार्डबोर्ड से बनाया गया था, क्योंकि इसे रेगुलर पेपर से बनाना पॉसिबल नहीं था। ग्लोइंग सर्फिंग। दोस्तों, लोगों को अपनी हर चीज चमकदार चीजों से डेकोरेट करना पसंद होता है, जैसे कि वो अपने घरों को स्ट्रिंग लाइट से डेकोरेट करते हैं और बाइक में LED स्ट्रिप भी लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ग्लोइंग सर्फ सूट,
और ग्लोइंग बोर्ड बनाने की सोचा है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन शायद ये लोग पानी में मरमेड के साथ पार्टी करना चाहते हैं। दोस्तों असल में ये फुटेज क्रिस्पिन चैंडलर की फिल्म फायर इन द माउंटेन के बैक स्टेज से आई है। ये दुनिया के बेस्ट एथलीट के बारे में शॉर्ट फिल्म थी, जिसमें स्कीज, सर्फबोर्ड और स्नोबोर्ड पर उनकी स्किल दिखाई गई थी। सुनने में चाहे ये कितना भी अजीब लगे, लेकिन देखने में बढ़िया लग रहा है। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो ये भी आपको YouTube पर मिल जाएगी। रेस कार ऑन अ स्की ट्रैक। दोस्तों अगर आप किसी बर्फ की पहाड़ी पर सैर करना चाहते हैं, तो आप स्की या फिर स्नोबोर्ड ही यूज करोगे। लेकिन 14 जनवरी 2016 में मैक्स वर्स्टैपन नाम के एक पायलट ने रेस कार को एक अलग ही ट्रैक पर चलाया। उन्होंने ऐसा किट्सबुल नाम की एक जगह पर किया और इसके लिए उन्होंने RB7 2011 रेस कार का यूज किया। दोस्तों ऐसा करना आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें नए प्रकार के टायर्स का यूज करना पड़ा, इंजन की सेटिंग भी चेंज करनी पड़ी और व्हील में चेन लगानी पड़ी। इसके बाद भी किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि एक रेस कार इतनी कम टेम्परेचर वाली जगह पर कैसे बिहेव करेगी, और पायलट की जान हमेशा दांव पर लगी हुई थी। लेकिन मैक्स वर्स्टैपन ने यह कर दिखाया और 3500 लोगों ने इसे लाइव देखा। इनसाइड अ फ्रोजन लेक। आपने शायद कभी एक फ्रोजन रिवर या लेक देखा होगा। कभी कभी इसकी बर्फ इतनी थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि लोग इस पर आसानी से चल भी सकते हैं, और कई बार वो इतनी सॉफ्ट होती है कि एक बल्ट के बैठने से भी टूट जाती है। लेकिन इस जमी हुई लेक के अंदर होता क्या है, यही जानने के लिए मैथ्यू विलेकास नाम की एक फ्री डाइवर अपने गोप्रो कैमरा के साथ कनाडा की मॉरिसन क्यूरी लेक में कूद गए। जरा सोचिए कि इतने ज्यादा ठंडे पानी में 80 सेकंड तक अपनी सांस रोकना उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसा नॉर्मल पानी में भी नहीं कर सकते, और वहाँ तो टेम्परेचर जीरो से भी काफी कम था। वो वहाँ से वापिस भी आसानी से नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर बर्फ की एक मोटी चादर थी। उनके एफर्ट्स बेकार नहीं गए, उन्होंने अपने कैमरे से अंडर वाटर की छुपी हुई खूबसूरत दुनिया की बेहतरीन नज़ारे कैद किए। इसे देखकर उनके एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। 5000 डक वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। दोस्तों चाइना में कार चला रहे लोग तब हैरान हो गए जब उन्होंने एक साथ इतनी ज्यादा ब्राउन डक्स को सड़कों पर घूमते हुए देखा। दोस्तों ये घटना है चाइना की कोस्टल सिटी ताइजाओ की, जहां पर तब ट्रैफिक को एक तरफ कर दिया गया जब ट्रैफिक पुलिस ने इतनी सारी डक्स को रोड पर चलते हुए देखा। दोस्तों ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि 70 साल के एक फार्मर अपनी 5000 डक को सड़क पर लेकर निकले, और ऐसा करने के लिए फार्मर ने कहा कि डक्स को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, इसलिए वो इन डक्स को इतना लंबा चला के सबसे पास वाले तालाब में ले जाते हैं जिससे उन्हें अच्छा फील हो। प्लेइंग गिटार एंड सर्फिंग। दोस्तों दो डिफरेंट हॉबीज को मिक्स करना हमेशा अच्छा आइडिया नहीं होता है। अगर आप इसकी करते करते स्विमिंग करेंगे या फिर बाइक चलाते चलाते स्वेटर सिलेंगे, तो ये काफी अजीब लगेगा। लेकिन कई बार दो अलग अलग हॉबीज एक साथ अच्छी भी लगती हैं, अगर आप दोनों में ही प्रोफेशनल हो। कनाडा के म्यूजिशियन और सर्फर क्रिस हो सर्फिंग करते हुए इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने बोट से एक आर्टिफिशियल वेव बनाई थी, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में ही वो रस्सी फेंक कर अपनी ऑडियंस को प्रूफ कर देते हैं कि वो बोट से नहीं बंधे हुए हैं। इस गिटार के साउंड को आईफोन पोर्टेबल गिटार एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों मुझे नहीं पता कि क्रिस को ये वीडियो बनाने में कितना समय लगा होगा और वो कितनी बार इसमें फेल हुए होंगे, लेकिन वीडियो देखकर मजा ही आ जाता है क्योंकि उन्होंने बिना गिरे गिटार को बाखूबी बजाया है। ह्यूमन हेयर बॉल। हाँ हाँ पता है कि ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन सच है। ये हेयर बॉल एडम फैमिली मूवी के कजिन इट की तरह लग रही है। इसे ओहायो एक्सपो सेंटर में डिस्प्ले के लिए रखा गया था और इसे देखने काफी ज्यादा लोग आए थे। ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी हेयर बॉल नहीं है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस हेयर बॉल का नाम हॉस रखा गया है और ये डैन ब्लॉकर्स के एक मूवी कैरेक्टर बोनांजा से इंस्पायर्ड है। इसे हेयर स्टाइलिस्ट स्टीव वॉर्डन ने बनाया है। 2013 में वॉर्डन ने अपने क्लाइंट के बालों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो अपने सलून में जब भी बाल काटते थे, वो उन बालों को सलून के बेसमेंट में गिरा देते थे, और उनके क्लाइंट को समझ नहीं आता था कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने बालों को ग्लू से जोड़कर हेयर बॉल बनाना स्टार्ट किया। इसके बाद वो उस पर लेयर चढ़ाते गए। आज इसका वजन 56 किलोग्राम है और ये दुनिया के अलग अलग शहरों में डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। और हाँ, आप भी जाकर इसमें अपने बालों को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।